सो हाई उम्र के हिसाब से भी तो आज लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। बट माइनक्राफ्ट में आज लोग भाई को एंड बहन को दोनों को ट्रोल नहीं करने वाले, आज लोग कुछ अलग करने वाले हैं। अब देखो भाई, मेरे ना एक फ्रेंड है, उसने मुझे इनवाइट करा था अपनी एक SMP में जो कुछ ने अब थोड़े दिन पहले स्टार्ट करी है। बट वो कह रहा था कि हम दोनों इसमें एक सर्वाइवल करते, तो मैंने सोचा हाँ भाई करते हैं, मज़ा भी आएगा, मैं इसको सर्वाइवल लड़ाया भी नहीं। सो बट क्या, मैंने हाँ कह दिया। एंड उसने कहा कि मैंने अभी तक इस वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ कर नहीं रखा, मैं अभी प्रॉपर डायमंड का आर्मर भी नहीं है, एंड साथ कुछ डायमंड्स मेरे पास अभी बचे हुए हैं। बाकी मेरा फ्रेंड बहुत कंजूस है, वो मेरे को एक डायमंड भी नहीं देने वाला है। तो बाकी देखते अभी क्या हो, तो उसने क्या प्रोग्रेस कर रखी है, बाकी अभी हम जाके देखने वाले हैं। एंड भाई मेरा जो काम है वो है उसके बच्चे को जो डायमंड चुराना। भाई हम तो वही कर सकते हैं ना, हम गरीब है ना इसलिए। ओके, वैसे मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ एक अकेसिया बायो में, एंड मेरे को हर तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई ब्लॉक भी नहीं दिख रहा है भाई। तो ब्लॉक्स तो काफ़ी सारे हैं बट वो लगाए हुए ब्लॉक्स तो नहीं दिख रहे हैं। भाई उसका घर है कहाँ, और पता नहीं उसने घर बना भी रखा है नहीं, या फिर रोड पर सोता। वॉट वहाँ पर कुछ बना हुआ भाई, भाई वॉट रुको, यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल है जिसका उसने ऑब्सीडन तोड़ रखा है, एंड आपको तो दिख ही गया होगा आगे। रुको मैं आपको दिखाता हूँ भाई, लिटरली ये बंदा बहुत चलाक है भाई, देख रहे हो, मेरे को कह रहा है मैंने कुछ नहीं कर रखा, वहाँ पे पूरा आगे हवेली बना रखी है भाई, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। रुको भाई को जाने दो पहले, भाई साहब देख रहे हो यार, यहाँ पे पूरा नेदर वगैरह बना रखा है, पूरा मस्त मेंशन मेंशन खड़ा कर रखा है, और मुझे कह रहा था मेरे पास डायमंड आर्मर नहीं है। वैसे ये रहा वो बंदा, क्या कर रहा है तू यहाँ पे, है भाई क्या कर रहा है तू यहाँ पे, एंड देख रहे हो प्रॉपर डायमंड आर्मर तो नहीं है, बट भाई तब भी इतना कुछ कर रखा है, मेरे को झूठ कहता है ये भाई। रुको मैं से बताता हूँ, रुको अभी। सो मैंने इसके हाल चाल पूछ लिया है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक छोटा सा वीट फार्म, अपना एक हाउस एंड नेदर वेदर वगैरह वगैरह बना रखा है, जो कि मेरे ख्याल से इसने सही प्रोग्रेस तो कर रखी है, पर मेरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मस्त भाई, तुम बताओ, मैं भी मस्त हूँ भाई। सो यार यहाँ पे अभी कुछ कह रहा है शायद, ये मेरे को अपना घर, वैसे मेरे को इसका घर देखना है, बात कहूँ तो भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके घर में घुस गया ना बिना परमिशन के तो भाई यहीं मार देगा, मैं वहाँ से कितना चल के आऊँगा। बाकी अब ये खड़ा है, नहीं कुछ लिख रहा है, चलो अपना वर्ल्ड टूर देता हूँ भाई, ये खुद ही दे रहा है तो भाई ना तो नहीं कहेंगे। शायद से मेरे को अपने पहला घर ही दिखाएगा, चलो देखते हैं भाई इसका घर कैसा वैसा बन रखा है। और भाई बता यार जरा तेरा फार्म वार्म तो वैसे मैंने अपने से देख लिया, भाई घर के अंदर देखते हैं। वैसे घर को कहूँ तो भाई 10 out of 9 तो मेरे ख्याल से सही रहेंगे, मैंसन से खड़ा कर रखा है इसने बढ़िया से, ऊपर बड़ी सी बालकनी छत है जहाँ से आराम से पतंग वगैरह ही उड़ा सकते हैं और दूसरों गुब्बारे मार सकते हैं भाई। और यहाँ पे भाई इतना लैग क्यों कर रहा है ये बंदा भाई, मैं भाई क्या हो क्या गया इसके फ़ोन को पता नहीं, उसको छोड़ो भाई साहब, यहाँ पे आयन का आर्मर पूरा सेट रख रखा है भाई साहब, मेरे लिए रख रखा है क्या इसने। बाकी ये पता है बंदा पागल हो चुका, मैं खुद टूर कर रहा हूँ भाई, ये तो टूर करवा नहीं रहा, ये मेरा घर है। ओके वैसे इसका घर तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो मैं अभी झूठ क्यों ही छुपाऊँ, बाकी मैंने इसे कह दिया भाई इसका घर मस्त है, बाकी इंटीरियर वगैरह तो सही है, यहाँ पे कुछ फूड रखा हुआ है जो कि मेरे को चाहिए है, पर ये तो ना देगा कंज्यूमर का, देख रहे हो मार भी रहा भाई, रुक जा भाई साहब कुछ ही अर्से मेरे पास, देख रहे हो तो लैग कितना कर रहा है, कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, ये लगता है इसका फ़ोन ना पागल हो चुका है। अब भाई पागल हो चुका है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो किससे मारूंगा, जो सील ऑन कर लिया, चेस्ट मत खोलो। ओके भाई कहता है कंजूस है भाई, चेस्ट भी नहीं खोल सकता भाई, मतलब चेस्ट तो खोल लेते, नहीं लूँगा भाई कुछ। बाकी देख रहे हो यार एकदम अच्छा बेडरूम, 3 बेड लगा रखे हैं भाई साहब, और एक आयरन आर्मर, पर नहीं ये इतना कंजूस है कि मेरे को छूने भी नहीं दे रहा। सोए पता नहीं आ रहा यार एक जगह क्यों अटके जा रहा है, इसका फ़ोन क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ इसी बात का फ़ायदा उठाऊँ, मैंने यहाँ पे इसकी सारी चेस्ट चेक करूँ, बाकी वैसे मतलब घर तो है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, बाकी चलो ये मेरे ख्याल से इधर ही रहेगा, मेरे को चेस्ट चेक कर लेनी चाहिए, यहीं से दूर से करते हैं, इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स है भाई, ये बंदा पागल हो चुका है भाई, सब ये हिल क्यों नहीं रहा है, ये चेस्ट खाली है भाई, भाई कुछ तो रख लेता चेस्ट में, खाली रखी क्यों, मैंने रखता ही नहीं। और इसके अंदर क्या है, ओके इसके अंदर है यहाँ पे लैपिस और रेड स्टोन, भाई बंदा इतनी प्रोग्रेस करके मेरे को झूठ पता नहीं क्यों कह रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, ये चेस्ट भी खाली है भाई, यहाँ पे इस वाला कुछ और ही रख देता है, एंड ये बंदा अभी तक हिला ही नहीं है ऐसे, भाई ये पागल हो चुका लगता है। गैर यहाँ पे तो भाई इतनी ऐसे खड़ा हुआ, एक काम करता हूँ बेड के पास ही चेस्ट चेक करता हूँ, भाई ये आदमी है भी हीरो ब्राइन है बे, इतनी देर कौन चलता है, क्या कह रहा चलो अब बाहर भाई, ये बंदा ही तो अपना घर नहीं दिखाया ना, ये कह रहा है बेडरूम है ना कुछ कह रहा है, भाई यार क्या बंदा है भाई, ना चेस्ट मिल जाए ऊपर का फ्लोर कौन दिखाएगा और उसके ऊपर का, भाई ये बंदा ना है भाई सच में यार, कितना तेरी तो मेरे पास कुछ है नहीं, वरना ही मार देगा मेरे को भाई, चलो यहाँ से ले तेरे मुँह पर गेट बंद करूँगा, ज़्यादा पता नहीं क्या है यार यार, मेरे को SMP बुलाया क्यों तू है, जब इतनी इज्जत देनी थी तो बहुत इज्जत दे रहा है मेरे को SMP में। आप देखो क्या टूर करवाता है, ये है इसका एक काव फार्म, एंड ऊपर से बारिश हो रही है, इसकी काव भींग रही है भाई, दिखाई देता क्या,
और यहाँ पे है सीप, भाई सीप इतनी ज्यादा क्यों और काव इतनी कम क्यों, भाई क्या भेदभाव कर रहा है इसके बीच में। बाकी यहाँ पे एक काली है, एक ग्रे है, एक सफ़ेद है, भाई पता नहीं कहाँ से चुन चुन के सीप लाया है, एक बच्चा बाहर है भाई, ये पागल आदमी है एक नंबर का। और वेट, ये नीचे की तरफ यहाँ पे अलग सा ग्रास नहीं लग रहा, और मैं इसके ऊपर टच कैसे कर पा रहा हूँ, मतलब ऊपर की तरफ, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया। और बे मार क्यों रहा है, मैं समझ गया आप भी समझ गए होगे। सो यहाँ पे मैंने से कह दिया मारो मत, बहुत मार रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इन्हें पीछे कौन मार रहा है, वेट वॉट भाई ज़ॉम्बी आ गए, मेरे पास एक हाट है, मेरे पास खाना भी नहीं है भाई, भाग लो भाई यहाँ से, यार क्या आदमी है भाई साहब, मेरी मदद कर ले आकर। बे यार ये पागल है, मैं नहीं से कुछ कह रहा भाई, ये हीरो ब्राइन है पक्का, चलता है ऐसे और पता नहीं क्या है लड़का। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, इसे जरा बुलाता हूँ। सो मैं यहाँ पे अंदर तो आ चुका है, यहाँ पे ये भी अंदर आ चुका है, एंड मैं इसे फूड मांगे, शायद इसने ध्यान नहीं दिया है, भाई तलवार क्यों दिखा रहा है यार, अब मारेगा क्या, वैसे भी बस इतनी कम हार्ट में वहाँ पे स्पॉन भी हो तो सीधा मरूंगा क्योंकि ज़ॉम्बी वॉम्बी मारेंगे। सो मैंने इसे फिर से फूड मांगा है, मैंने इसे ये भी कह दिया कि मैं 1 हार्ट पे हूँ, और इसने के लिखा है यानी कि ओके लिखा है, इसकी भाषा ही अलग है पता नहीं कैसी कैसी। बाकी देखते भाई ये फूड देता है या नहीं देता, भाई थोड़ा अच्छा खासा दे दे जिससे मेरा 3 हार्ट एक बारी में बढ़े, भाई दे क्या दे रहे, दे तो रहा है, बाकी देखते क्या देता है। ओके ब्रेड दे दे भाई, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं भाई 7, एंड गाइस इसने ब्रेड 7 दिए, पर मैंने इसे थैंक्स कह दिया क्योंकि इसने अपने हिसाब से भाई सही दिया है, बिकॉज ही इज़ कंजूस। बाकी अभी रात बहुत हो रही है, एंड वेलकम, हाँ ठीक है, इसे शर्म ही नहीं आती भाई, वेलकम बोल रहा है, चल आ जा यहाँ पे सो जा, इस हाथ तो समझ ही गया होगा भाई, हाथ में मिले कौन सा होता है भाई, कीड़ा वीड़ा घुस जाएगा आँख में भाई, छोड़ो ये पागल लड़का है भाई, हम यहाँ पे आराम से नींद नहीं लेते हैं। और गुड मॉर्निंग भाई, एंड मेरे पास एक दिन हो चुका है, बट मेरे पास यहाँ पे 6 बेड और एक सीट है, एंड हार्ट भी फूल नहीं है भाई, क्या ही बोलूँ यार, इसी समय मेरे को आना ही चाहिए था। अच्छा सुनो, हाँ भाई बोल, अब क्या बोलना चाहता है यार, जो इतनी जैसे टाइपिंग कर रहा है, एंड मैं जा रहा हूँ ट्री कट करने, ये ट्री कट करने जा रहा है, एंड मेरे दिमाग में आया आइडिया। ओके गाइज, यहाँ पे इसने बाय भी कह दिया, एंड ये कह रहा है मेरे घर का ख्याल रखना। सो ओके भाई, मैं तेरे घर का ख्याल रखूँगा, अब तो यहाँ से निकल सकता है, एंड पता नहीं क्यों नूम की तरह अपने हाथ में हमेशा मिट्टी रखता है, अब निकल ले यहाँ से, ठीक है ना, ज़्यादा ये जो लैग कर रहा है, पता नहीं किस स्पीड चलता है हीरो ब्राइन की भाई, एंड ये जा रहा है, वेट में चेस्ट खोलने जा ही रहा था, ये मेरे को देख रहा है, चल तू चला जा भाई, मैं तभी चेस्ट खोलूँगा, यहाँ से खोलते पता ही चलेगा, इसका तो कुछ टूल्स है जो मेरे को नहीं चाहिए, उस टूल से वैसे ले लेंगे बाद में, कभी ना डांटेगा। एंड इसके अंदर डायमंड्स रखे हुए हैं कितने भाई साहब, वैसे नहीं लूँगा यार, 10 डायमंड है पर नहीं लूँगा, बिकॉज इसके बाद तो भाई आना वगैरह वगैरह है, तो ये मेरे को मार देगा भाई, जैसे ही दिखा कि डायमंड नहीं है, और क्या इसने मार दिया, यहाँ पे तो चेस्ट इसमें ओपी लूट तो होगी, मेरे को लगा भाई ऊपर ओपी लूट होगी भाई, यहाँ पे तो एक भी सामान नहीं रखा हुआ। बाकी ये है इसकी बालकनी, और बालकनी से आ रहा है इसके फार्म में, जो मेरे को चीज़ दिखी तो वो मेरे को एक्सप्लोर करनी है, बाकी पहले घर वो देख ले, वो तो हो भी जाएगा। और ये भी बालकनी है भाई, बालकनी में कुछ बना भी लेते हैं, यहाँ से बस ओपी व्यू ही लेना है जैसे इसे, ओके वैसे सही, इसे ऊपर का दिखाया नहीं मेरे को भाई, कितना चलाक आदमी है ये, एंड ये ऊपर क्या है, ओके ऊपर यहाँ पे काफ़ी बड़ी बालकनी बन रखी है, बालकनी नहीं छत बन रखी है, जहाँ से मैं इसे भाई गुब्बारा फेंक फेंक के मारूंगा। बाकी अब नीचे चलते हैं, इसका सीक्रेट बेस भाई जाके एक्सप्लोर करते हैं, जो कि भाई वही फार्म वाला ही था जहाँ पे कारपेट लगा हुआ था, अगर भाई कुछ लोगों को नहीं पता चला है ना, यहाँ नहीं भाई तुम एकदम शरीफ आदमी हो। बाकी यहाँ पे नेदर भी देख लेते हैं एक बार, तो अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं मर ही जाऊँगा। ओके वैसे यहाँ पे स्टेयर वगैरह वगैरह लगा रखी है इसने, ओके भाई सही है। यहाँ पे ये वुड कट कर रहा है, देखो वहाँ पे दिख रहा है नेम टैग आपको, वो यहीं पे वुड कट कर रहा है, मैं तो भाग लेता हूँ यहाँ से सीधा। इसने फार्म के अंदर बना रखा है कि भाई मेरे को दिखेगा नहीं कि ग्रास, यहाँ पे ग्रास से मैच हो रहा है ना भाई, मतलब बंदे ने सीड बेस का आइडिया बहुत ज़्यादा तगड़ा लगाया है, बट हम भी भाई है थोड़े प्रो। चलो गाइज यहाँ से अब इस कारपेट को खोद के देख लेते हैं एक बार, बाकी यहाँ पे वो है तो नहीं, ठीक है वो वहाँ पे वुड ही कट कर रहा है, एंड इसको तोड़ते हैं, एंड यहाँ पे हमें लैडर दिख चुकी है, एंड बस भाई नीचे के हमारा पोपट ना हो जाए, वो सोच रहा होगा भाई इसे ट्रोल करूँगा तो इसलिए भाई पोपट ना हो बस, एंड कितनी नीचे आ रही है लैडर। चलो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, एंड नीचे चल रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे मुड़ने वाला हूँ, पर यहाँ पे एक बार देख लेते हो कि नहीं है। व्हाट भाई साहब कितना ओपी है, ओ माय गॉड, एक मिनट, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा है और क्या लिखा है, प्रिपेयर फॉर किल एंड ड्रैगन, भाई कितना चलाक है भाई ये बंदा, ये मेरे को कह रहा था कि भाई हम दोनों ना डायमंड माइनिंग अपने साथ करेंगे, मतलब एक साथ करेंगे भाई, 10 डायमंड ढूंढने कोई दिक्कत नहीं, चेस्ट पर लगी बनाई कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई यहाँ पे पूरा एंचेंटेड डायमंड वगैरह भाई सब कुछ रख रखा है भाई, इसने ये अच्छा नहीं कह रहा, एंड मैं सोचता भाई यहाँ पे कोई सीक्रेट बेस आ गई, पर नहीं है भाई, मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे इतना अच्छा आर्मर रखा हुआ है, इसके अंदर वैसे
व्हाट भाई इतने एन्चेंटेड एप्पल, भाई बंदा क्या है इतने एन्चेंटेड एप्पल कहाँ से ले आया है भाई, बहुत एक्सप्लोर करता होगा लगता है बंदा, क्योंकि एन्चेंटेड एप्पल भाई क्राफ्ट व्राफ्ट कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ स्ट्रक्चर में ही मिलता है भाई। इस बंदे की तो मौज है बट मेरी अब मौज है, एंड इसके अंदर भाई सब ओपी ओपी टूल्स एंड टोटम्स रखे हुए हैं, एंड भाई टोटम को एन्चेंट नहीं कर रखा है। वैसे मैं पता नहीं क्यों नूब वाली बात कर रहा हूँ, नूब भाई टोटम थोड़ा एन्चेंट होते हैं, एंड बाकी भाई लेफ्ट हैंड में टोटम रखो बिकॉज वो मेरे को बहुत मस्त लगता है टोटम। एंड अब भाई यही आर्मर की चला जाए भाई, तो उसके शरीर में अच्छा नहीं लगता, मेरे शरीर में तो जचेगा एकदम। ओके गाइज, एंड देखते मेरे को फिट होता है या नहीं, एंड यहाँ पे मेरे को फिट भी हो रहा है। चलो भाई मेरे साइज़ की बनाई है इसने, आप सही है भाई। अब यहाँ पे भाई मैं इसे अभी तगड़ा ट्रोल करने वाला हूँ, एंड इसने यहाँ पे नैदर ही बना रखा है, मेरे को लग रहा है भाई नैदर में भी इसने कुछ ना कुछ कर रखा है। एंड यहाँ पे भाई देख रहे भाई क्या, व्हाट भाई तू कहाँ से आ गया अचानक से, भाई भागो भाई अचानक से क्या झटका दे रहा है, मैंने एक मिनट के लिए इन्वेंट्री खोली यहाँ पे आके खड़ा हो गया भाई। वेट नहीं 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 भागो 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 भाई। वैसे गाइस अभी आप यही सोच रहे हो कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, वैसे आगे मैं अभी भाग के मजे करूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे को उससे डर लग रहा है, बाकी बाद में तो भाई वो गया समझ लो भाई, गया वो बाद में। सो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा बहुत भागता हूँ यार, ताकि मेरे को इसलिए लगे कि मैं थोड़ा सा इससे डर रहा हूँ। बाकी यार मेरे को ये देखना है कि इसका आर्मर कितना ओपी, यानी कि मैं ऐसा भी थोड़ा मारने दूंगा, फिर उसके बाद देखता है मैं कितना डैमेज पड़ता है, एंड उसके बाद आपको पता ही मेरे पास ओपी ओपी आर्मर स्वर्ड टूल्स फूड जो भी है भाई सब ओपी है। यहाँ पे मैं छुप चुका हूँ, एंड ये ऊपर आ रहा है भाई, इसे मैं दिखा नहीं क्या भाई, नूबड़ा एक नंबर का। वैसे भाई भाई तू मैं लड़ भी पाएगा मेरे को तो भाई, इस भी भाई कहाँ जा रहा है, अबे रुक भाई तेरे को तो मैं पेलता हूँ, आ जा लड़ ले, आ जा लड़ ले, अब बोल क्या कह रहा था, आ जा बोल ले बोल ले, आयरन की सवाल है भाई आना, एक झटके मार सकता हूँ, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ये ले आ जा तेरा आर्मर दे दो भाई, आ जा ना आ जा तेरा आर्मर दे दूंगा मैं। बे भाई हाफ वर्ड का डैमेज तू दे नहीं पा रहा अपनी आयरन की स्वर्ड से, क्या गुंडा बनेगा रे तू, अभी रुक तेरे को मारता हूँ मैं, ये खाई से धकेल दूंगा तेरे को। अभी दो शॉट और तीन शॉट में ही गया भाई, कितनी ओपी शॉट थी मेरी ये, भाई तू अपनी शॉट से मरेगा तो भाई क्या इज्जत रह जाएगी, मतलब ओपी बोलते भाई, सारा सामान ले लूंगा आज मैं इसका। गाइस लिटरली तीन शॉट में कैसे मर गया तो यही समझ में नहीं आ रहा है, बाकी हमारा तो काम हो चुका है, बाकी आगे कोई सामान नहीं है। एंड भाई तीन शॉट में लिटरली इतनी ज़्यादा ओपी शॉट बनाई है भाई। एंड देखो भाई जिस वजह मेरे को 7 ब्रेड दे रहा था, अब मेरे पास भाई उसके डबल ट्रिपल पोपल सब है भाई 46। ओ भाई क्या भाई हो गया कहाँ आप, तू क्या ही कहेगा, तूने मुझे मारा, अबे तो क्या भाई दिखता नहीं क्या, अंधा अंधा हो चुका भाई इसका गेम लगता है, कुछ ज़्यादा ही लैग कर रहा है भाई, मार दिया और क्या, मैं रिवेंज लूँगा ज़रूर। भाई भाई मेरे भाई ने भी ऐसा कहा था, पर भाई मैं तो बच जाता हूँ भाई, मैं प्रो हूँ एंड सब प्रो। सो गाइस यहाँ पे इसने आज मेरे को पहली बार SMP में बुलाया, एंड भाई पहली बार ही मैंने इसका एक पोपट कर दिया बहुत बड़ा वाला, बट इसने मेरा भी करा है भाई, मतलब लिटरली मेरे को ऐसा कहता है, झूठ झूठ बोलता है, एंड अपना भाई खुद ही अंडरग्राउंड को मार जाता, अगर मैं 2 दिन लेट हो जाता तो, बाकी उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को डायमंड आर्मर मिल चुका है। बाकी देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है, वीडियो बनाया तो लाइक करना, आज की वीडियो का लाइक एम है 1.5K लाइक्स। अब देखो गाइस यार बहुत लोग लाइक नहीं करते यार, क्यों नहीं लाइक करते भाई, वीडियो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ यार लाइक कर देखो, मैं भी मोटिवेट होता हूँ ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए। बाकी हाँ भाई जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है भाई सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो मिल रही है ना, बस थोड़ा लेट आती है, बाकी कोई नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दो। एंड बाकी भाई सबको हैप्पी होली भाई, जिस दिन वीडियो आ रही होगी वो दिन तो भाई आप लोगों पर गुब्बारे फेंक रहोगे, तो वीडियो को जरूर देखना, ये नहीं कि मेरे ऊपर भी गुब्बारे फेंक दो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।